हम लोग इसमें मिल्कीपुर में हैं और आपको पता है कि अयोध्या की जो ये विधानसभा सीट है मिल्कीपुर, ये इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में यूँ तो 10 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होना है, लेकिन उसमें से एक सीट है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर ये वही मिल्कीपुर विधानसभा सीट है जहाँ से अयोध्या के जो मौजूदा सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उन्होंने इसी सीट से विधायकी का चुनाव लड़ा था मिल्कीपुर से और वो विधायक बने थे। यानी अब वो तो सांसद हो गए हैं तो सीट खाली हो गई है और उसके बाद अब यहाँ पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से भी लोग मैदान में हैं और बीजेपी से तकरीबन 2 दर्जन से अधिक प्रत्याशी मैदान में हैं, यानी टिकट मांग रहे हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि भाई किसको टिकट दें। तो हम लोग इस समय रामनगर चौराहे पर हैं, मिल्कीपुर का एक चौराहा है और यहाँ पर कुछ लोग हमको मिले तो ये पूछने आए कि इस बार मिल्कीपुर के लोगों का माहौल और मिजाज क्या रहने वाला है। सबसे पहले ये बताइए कि अयोध्या क्यों हारे आप, उसका प्रमुख कारण क्या था? यहाँ के चुनाव के लिए यहाँ के विधानसभा के वो जो हैं विधायक जी, वो तो कभी यहाँ देखने आते नहीं हैं। हाँ, विधायक तो अवधेश जी थे। हाँ, कभी आते ही नहीं। अध्यक्ष जी का जो है, हम इतने साल हो गए हम उनकी शक्ल नहीं देखा आज तक। किसकी? अवधेश की। टीवी देखे नहीं? हम कहूँ नहीं देखते। सांसद हो गए पता नहीं ना। बताइए, अब तो चुनाव होना तो सीट खाली हो गई ना, क्या लग रहा सपा की भाजपा? हम भाजपा में है। भाजपा में? हाँ, भाजपा में दादा बहुत से प्रत्याशी मैदान में है। हम जब से मतलब समझ रहे हैं, वोट दे रहे हैं, हम भाजपा के अलावा किसी को दिया नहीं। भाजपा का है पसंद दादा? अब हमारे पुरखे लोग देते हुए चले आ रहे हैं। काम हम करते नहीं, भाजपा ने काम किया आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो काम इधर उधर किए हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस क्षेत्र रामनगर चौराहा पर जो है ये तो कभी किए नहीं है। हाँ, तो विधायक सपा के थे, मिले नहीं आप उनसे? ना, हम उनसे नहीं मिले हैं। तो क्या देख रहे हैं, टक्कर कैसे देख रहे हैं उपचुनाव में? अब भाई ये तो वही लोग बता सकते हैं, ज्यादा हम जिसमें रहते भी नहीं है। अच्छा, राजनीति से ज्यादा मतलब नहीं आपका? ना। चलिए भैया आपसे बात कर लेते हैं, दादा की बातों को आपने सुना है, हम आपको रिपीट करते हैं कि उपचुनाव होने वाला है, प्रत्याशी बहुत से हैं, चुनना बड़ा मुश्किल, किसको टिकट दिया जाए, सब लोग कहते हैं अच्छा प्रत्याशी चाहिए। आपके हिसाब से उपचुनाव का समीकरण क्या दिख रहा है? समीकरण जिसको पार्टी टिकट देगी, जो मैदान में आएगा उसी को मतदान किया जाएगा। नाराज क्यों थे मिल्कीपुर के लोग लोकसभा चुनाव में? ये तो अपना अपना मत है, कोई नाराज है कोई नहीं नाराज, इसको क्या कहा जाए, हर व्यक्ति अपनी अलग अलग सोच रहते हैं ना। अवधेश प्रसाद यहाँ से विधायक कितना काम कराया? अब काम के बारे में तो हम बताया तो आपसे कि हमारे क्षेत्र के दुर्भाग्य है, यहाँ जो विधायक बन जाते हैं आराम से घर पे बैठते हैं, क्या जरूरत है काम की? जनता जो ऐसे वोट पा जाती है तो काम की कोई आवश्यकता? किसके नाम पे वोट देते हैं आप? हम पार्टी जिसको टिकट देती है, जिसको इच्छा कहती है उसको वोट दे देते हैं। आप पार्टी के नेताओं से कहते हैं कि हमारे यहाँ काम कराइए? क्या कहने, पार्टी के अपने उनके विचार हैं, जिसको टिकट दें या न दें, हमारे कहने से थोड़ी टिकट देंगे। क्या देख रहे हैं, टक्कर कैसी देख रहे हैं इस बार उपचुनाव में? टक्कर तो प्रत्याशी आने के बाद पता लगता है कौन किसका। ऐसा प्रत्याशी आपको चाहिए, पूर्व में चाहिए या फिर नया चाहिए? अबे विकासशील होना चाहिए, चाहे पूर्व में आए चाहे नया आए। नहीं, पूर्व के प्रत्याशी को तो आपने देखा होगा? देखे सारे हैं। हाँ। पूर्व क्या है, कहीं अलग चतुरों हैं। हाँ। लेकिन अब चेहरा जाए सामने आ जाए तो पता लगे कौन टक्कर देगा कौन नहीं देगा। अच्छा, वो अयोध्या भाजपा हारी तो कुछ मलाल हुआ कि नहीं? नहीं, हारी है तो उसको कुछ कमियाँ थी, कुछ भ्रांत फैलाई गई। भ्रांत क्या फैलाई गई, जिसे बता दीजिए। अब जैसे लोग कहते हैं कि संविधान के बारे में उन्होंने फैलाया गलत, हर आदमी पढ़ा लिखा है नहीं कि हर आदमी उस पर गौर कर ले क्या विचार होगा, तो उसी से भ्रांतियाँ फैलाई गई, इसी से हुआ। कुछ कैंडिडेट के नाराज थे कैंडिडेट से लोग, यही सब हुआ। और क्या विधानसभा में क्या होने वाला? अच्छा, विधानसभा में जो टिकट आएगा अभी कुछ बता नहीं जा सकता, जिसको प्रत्याशी। अच्छा, विकास के नाम पर अवधेश प्रसाद को कितने नंबर देंगे अगर विधायकी के नाम पर? अगर यहाँ पर हमारे लिए तो इस समय विकास नहीं, जीरो नंबर पे है। जीरो नंबर पे। जी हाँ। सांसद बनने वाला आभार वार प्रकट करने आया नहीं आपका? कोई मतलब नहीं। हाँ, जिता के तो भेजा था आप लोगों ने? अरे भाई, जब जिता के भेजे हैं तो आना चाहिए, उनके उनका काम है ना। तो अखिलेश जी ने राजा बता दिया। अरे राजा भाई, वो तो क्या पूछना है। हाँ। मुख से कहना किसी को राजा कर दें, किसी को प्रजा, चाहे जो कह सकते हैं, मुझमें ढक्कन तोड़ो है किसी। देख रहे हैं उपचुनाव को? ठीक है उपचुनाव। उपचुनाव ठीक है किसका? अरे बीजेपी, हम लोग बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी को वोट देते हैं। बीजेपी हार गई थी लोकसभा में यहाँ पे मिल्कीपुर से? बीजेपी हार गई थी, कुछ कमियाँ थी उस कैंडिडेट में, कुछ कमियाँ थी इसलिए हार गई थी। आप उपचुनाव में क्या दिख रहा? उपचुनाव में ठीक रहेगा, जो प्रत्याशी आएगा उसको हम लोग मदद करेंगे। अवधेश जी, यहाँ विधायक थे, कुछ काम हम कराए थे? कुछ नहीं। हाँ,
कैसे जीत जाते हैं ये? अब जीत जाते हैं, कैसे जीत जाते हैं वो जाने, उनका काम जाने। अच्छा भैया, आप कुछ कह रहे थे, बड़ा नाराज है, क्या बात है? कहाँ नाराज ये कहे नाराज है? अरे कहो कि बीजेपी हार गए तो हम तो हारा है। आप कहाँ हारे हो? हम जाहे पहन वही पे रहे। काहे पा? बीजेपी पे। साइकिल वाली दौड़ो? नहीं साइकिल वाइकिल ना दौड़ोगे। हाँ साइकिल आई है, कहाँ दौड़ाई दी? कहूँ सड़क बनवाए हैं, आए जब से जीत जाती यहाँ आवत थी मौके पर। विधायक को रहा यहाँ के? विधायक हमारे यहाँ के वो रामचंद्र राहत रे वो हुआ है। और यहाँ का उद्देश्य रहे ना, क्यों खबर नहीं लेते? हाँ उद्देश्य यहाँ नहीं होते, जाना तो नहीं होते इसका। हम जाने थे बहुत। सांसद बन गए हैं वो सब बन जाए। हाँ। जो हमें खाएंगे थरिये आगे उबे न करे तो हम का जाने के का। अच्छा भाजपा का खवा दिए थे? भाजपा बहुत देती है। दिया था बताओ? और नहीं देती है। क्या दिया? अब का बताई का? अरे बताओ, गुस्सा हो ना, राशन देती है। बताओ, सारी जनता का राशन देती है? हाँ दो हजार रुपया दिए दिवाए सबका। सपोर्ट बहुत कुछ दिए है? सपा वपा हम नहीं जाने। अच्छा। कुछ कुछ वो मैं करे नहीं भाई। तो यहाँ उपचुनाव को जीत रहा भाजपा सपा? हम वही पे देबे बस। कई पा दे हो? साइकिल पा? नहीं। हाँ यह अंगूछा ले हैं, देख लियो अंगूछा। अच्छा देखा दें दादा अंगूछा। चलिए भैया बात कर लेते हैं। जी भैया आप बताइए, कैसे देख रहे हैं चुनाव को यहाँ के? चुनाव प्रत्याशी के ऊपर है, अगर अच्छा प्रत्याशी आता है भाजपा से, अच्छा कैंडिडेट कोई होता है तो चुनाव फाइट करेगा। चुनाव टफ रहेगा या फिर एक तरफा रहेगा? नहीं चुनाव टफ रहेगा, एक तरफा नहीं रहेगा। अच्छा समीकरण की बात के लिए तो अगर अवधेश जी की सीट खाली हो गई है, अगर उनके घर से कोई उतरता है तो फिर चुनाव कैसा रहने वाला है? तब एक तरफा चुनाव हो जाएगा, क्योंकि जनता ये चाहती है कि वो सांसद हो गए इनका लड़का जो विधायक हो जाएगा, इस आधार पर जो है चुनाव जो है टप नहीं रहेगा। फिर किसके पक्ष में हो जाएगा? भाजपा के पक्ष में हो जाएगा। अगर अवधेश जी के घर से कोई उतरता है तो चुनाव यहाँ पर बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अरे बहुत बड़ी बात करी दादा, आपसे बात कर लेते हैं। चलिए आपसे, क्या नाम दादा आपका? संतोष कुमार तिवारी जी। दादा तिवारी जी, चुनाव आपने देखा होगा नज़दीक से, लोकसभा का है हारे आप? लोकसभा कुछ आपस में भाजपा के वो विधायक लोग कुछ कार्यकर्ताओं से और सांसद जी कुछ बोले तो उसको बढ़ा दिए विपक्ष वालों ने, इतना कहा उतना, यही सब कारण था। अच्छा अवधेश प्रसाद जी आपके विधायक थे, काम हम कराए नहीं आपके क्षेत्र में? हमारा क्षेत्र रुदौली है। अच्छा मिल्कीपुर नहीं है, रुदौली में है आप, तो मिल्कीपुर के चुनाव कैसे देखते हैं आप? चुनाव ठीक रहेगा। किसका? भाजपा का। भाजपा किस लिए? बीजेपी? बीजेपी को तो हरा दिए यहाँ से। अरे हरा दिए, हारे तो अयोध्या पूरा जिला ही है, एक जगह थोड़ी हारे हैं। इस बार बदला होने वाला कि सपा का ही मामला चलेगा? नहीं सपा नहीं जीत पाएगी, अगर अच्छा कैंडिडेट आया तो। अच्छा हाँ। सभी लोग एक बात तो यहाँ पर सेम है कि प्रत्याशी सभी लोग जो है ये मांग रहे हैं कि भैया आपसे बात करेंगे, आ जाइए थोड़ा सा, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आइए आप थोड़ा सा बढ़ाइए, वो नहीं आना अभी, आप कुछ उनको ज्ञान दे रहे थे हम जब कह रहे थे, तो थोड़ा बता दीजिए, बताइए। बताओ जी, क्या देख रहे हैं चुनाव में, कैसे देख रहे हैं, कौन जीत रहा है यहाँ? अरे जीता था तो ठीक है, अवधेश सिंह जीते। हाँ आपकी कोई का जीत आ रहा हो उपचुनाव में? अब सीधा तो नहीं जीते अवधेश सर। अरे अब चुनाव हुए वाला, फिर विधायकी चुनाव को क्या जीते हो भाजपा? अरे भाई जे आई जे वही जीते, और का कैंडिडेट में सही हुए तो सही कैंडिडेट है और का। चलिए ठीक है, हम लोग रामनगर में हैं और आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने लोगों की राय ली, जैसे हम लोग मिल्कीपुर में घूमते रहते हैं तो एक बात तो कॉमन निकल कर ये आ रही है कि जितने भी यहाँ के लोग हैं यानी जो मिल्कीपुर विधानसभा के मतदाता हैं, उनका एक साफ मकसद है कि अगर बीजेपी से कोई अच्छा उम्मीदवार मैदान में आता है तब तो इन लोगों का कहना है कि रुख हम लोग बीजेपी की तरफ हैं।